हमारे चैनल पर, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर अब ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार और होरम अधिकारी की हत्या की एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अब ममता बनर्जी सरकार को नोटिस थमा दिया है। तो आने वाले वक्त में ममता बनर्जी सरकार की मुसीबत अब बंगाल में बढ़ने वाली है। जिस तरीके से अब बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, आपको बता दें बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार, जिसने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से बंगाल में उन पर अत्याचार हो रहा है, खुलेआम टीएमसी के ये गुंडे गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं, और उसके बाद टीएमसी के इन गुंडों ने उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद अब अभिजीत सरकार के भाई और एक बूथ कार्यकर्ता है होरम अधिकारी, उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई या एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जाए, इसकी मांग उस याचिका में की गई, ताकि अभिजीत सरकार और होरम अधिकारी को इंसाफ मिल सके, और उस पर ही अब सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है। ममता बनर्जी सरकार को नोटिस दिया गया है, आने वाले वक्त में एसआईटी या फिर सीबीआई का गठन इनकी हत्या की जांच को लेकर हो सकता है। ये लगातार अब मुसीबत कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बढ़ने वाली है, क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर लगातार उन पर दबाव पड़ रहा है, जांच की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। यहां तक कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी हर रोज ममता बनर्जी पर बरसते नजर आते हैं कि टीएमसी के इन कार्यकर्ताओं पर वो संज्ञान ले, इन पर एक्शन ले, लेकिन ममता बनर्जी कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर बात बंगाल पुलिस की जाए तो उनकी भी कार्रवाई निष्पक्ष नजर नहीं आ रही, और यही वजह है कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के ये पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सीबीआई या एसआईटी का गठन करने की मांग की गई है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए, जिन्होंने कोर्ट को यह बताया है कि यह मामला बेहद ही गंभीर है। दो चश्मदीद गवाह उनके पास हैं, एक अभिजीत सरकार के भाई और दूसरा होरम अधिकारी की पत्नी, गवाह के तौर पर उन्हें पेश किया जाएगा। राज्य कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जब दो बेरहमी से मारे गए हैं, और ऐसा मामला है जिसकी जांच या तो सीबीआई करे या फिर इसको लेकर एसआईटी का गठन हो, तो उनकी तरफ से भी ये साफ तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि कोई भी एक्शन ममता बनर्जी लेती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें अभिजीत सरकार, जो कि कोलकाता के बेलिया घाट से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और 2 मई चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा का तांडव बंगाल में देखने को मिला, टीएमसी के इन गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, उसकी वानगी को बयां अभिजीत सरकार ने किया था। फेसबुक लाइव के जरिए उन्हें बताया था कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे लगातार वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी वोटर्स के घरों में आगजनी कर रहे हैं, किस तरीके से बमबारी हो रही है, और फेसबुक लाइव के जरिए देश को बताने की कोशिश की थी कि आखिर कोलकाता में क्या हालात बने हुए हैं, उनकी आंखों के सामने बम फेंके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर और दफ्तर को तोड़ा जा रहा है, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं बीजेपी वर्कर हूं। उन्होंने उस वीडियो में इस बात को भी कहा था, और उसके बाद उन्हें किस तरीके से घर से घसीटकर उनकी हत्या की गई, इसको लेकर लगातार बीजेपी टीएमसी को घेरती नजर आई। जांच की मांग लगातार ममता बनर्जी सरकार से की जा रही थी कि इसमें जांच की जाए, लेकिन ममता बनर्जी साफ तौर पर हिंसा से ही इनकार करती नजर आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं अभिजीत सरकार और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंसाफ मिले, इसी उम्मीद के साथ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। लगातार हिंसा की जो वानगी है वो पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है। टीएमसी के ये गुंडे हर रोज लगातार गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं, आगजनी, लूटपाट, हत्याएं पश्चिम बंगाल में अब आम होती नजर आ रही है। इस तरीके से कानून व्यवस्था फिलहाल खराब हो चुकी है, और यही वजह है कि अब कोर्ट का रुख इंसाफ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार हर एक मोर्चे पर फेल है।
पश्चिम बंगाल की पुलिस, जिसका यह दायित्व बनता है कि वो इन गुंडों पर कार्रवाई करे, इन अपराधियों पर शिकंजा कसे, लेकिन किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और बंगाल की पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी हुई है, ये भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब राष्ट्रपति शासन की मांग और इस तरीके से इंसाफ की गुहार अब सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता न सिर्फ अभिजीत सरकार या फिर हौरम अधिकारी की हत्या इन टीएमसी के गुंडों ने की है, बल्कि बीजेपी का यह दावा है कि उनके 21 कार्यकर्ताओं की जान इस पूरी हिंसा में गई है, उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। और तमाम हिंसा की ऐसी घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आई है, अनगिनत घटनाएं हैं जिसमें महिलाओं, बच्चों और तमाम लोगों की हत्याएं की गई है, किस तरीके से उनके साथ बदसुलूकी की खबरें सामने आई, ये भी साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन इंसाफ की गुहार राज्य सरकार से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बंगाल में बैठी ममता बनर्जी आंखों पर पट्टी बांधकर हिंसा के मद्देनजर बैठी हुई है और साफ तौर पर हिंसा होने से ही साफ इनकार कर रही है। तो अभिजीत सरकार की जिस तरीके से हत्या की गई वो साफ तौर पर ये बताता है कि क्योंकि उन्होंने बंगाल की असल स्थिति को लेकर फेसबुक लाइव किया था और टीएमसी के इन गुंडों की गुंडागर्दी को बेनकाब किया था। उन्होंने बताया था कि ना सिर्फ उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उनके पालतू कुत्तों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि दरअसल ये लोग मनुष्य नहीं हैं, जिस तरीके से ये लगातार खून खराबे पर उतरे हुए हैं। अभिजीत सरकार ने यह कहा था कि कोई भी पार्टी जीते उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर क्यों इस तरीके का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आखिर क्यों इस तरीके की बानगी देखने को मिल रही है। तो तमाम सवाल ममता बनर्जी सरकार पर उठाए थे, जिसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और अब लगातार उनकी हत्या की जांच की मांग को लेकर याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई उसको लेकर नोटिस ममता बनर्जी को थमा दिया गया है और आने वाले वक्त में उनकी हत्या की जांच की जाएगी। जाहिर तौर पर अब मुसीबत ममता बनर्जी की बढ़ चुकी है। हालांकि इससे पहले भी बंगाल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से याचिका दायर की गई थी। गौरव भाटिया ने अपनी उस याचिका में फेसबुक में वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत मारे गए अभिजीत सरकार का उदाहरण भी दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी मांग उस याचिका में की गई। वहीं एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई बंगाल हिंसा को लेकर, चूंकि ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए राष्ट्रपति शासन की मांग भी पश्चिम बंगाल में लगातार तेज हो रही है। और एक और एनजीओ ने याचिका दायर की, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जिस तरीके से बीजेपी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बंगाल में खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र तार तार हो रहा है और यही वजह है कि अब राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही ममता बनर्जी को उनके पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए, ये मांग भी लगातार लोग करते नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल अभिजीत सरकार और हौरम अधिकारी जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी जांच की मांग को लेकर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। आने वाले वक्त में इनकी जांच होगी और हत्या साफ तौर पर टीएमसी के इन गुंडों के द्वारा ही की जा रही है, ये देखने को लगातार मिल रहा है। जिस तरीके से खुलेआम टीएमसी के ये गुंडे गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे बंगाल के अलग अलग इलाकों में हिंदुओं का पलायन की तस्वीरें हों, वो साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरीके से डर और भय का माहौल वहां लोगों में बनाया जा रहा है, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने के बाद इनके पीड़ित परिवारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उन्हें भी लगातार टॉर्चर करने का जो सिलसिला है वो टीएमसी की ओर से जारी है और कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा भी ये लोग चाहते हैं। और इस हिंसा की बानगी को राज्यपाल दीप धनखड़ पहले ही बयां कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बेहद चिंताजनक हालात जो हैं वो पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, बेहद भयावह तस्वीर पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों की है, जिस पर ममता बनर्जी और उनके प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। टीएमसी के इन अपराधियों पर कार्रवाई ममता बनर्जी करे, लेकिन अफसोस ममता बनर्जी कोई भी एक्शन लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। तो फिलहाल चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की यह बानगी
थम नहीं रही है। फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले या फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़, यही वजह है कि लोग राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा का ये तांडव थमना चाहिए। बंगाल में जो पलायन की तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, और जिस तरीके से राज्यपाल से लेकर केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि राजभवन में घुसने की कोशिश भी ये टीएमसी के नेता कर चुके हैं, ये टीएमसी के कार्यकर्ता कर चुके हैं, खुलेआम धमकियां राज्यपाल तक को मिल रही है। यही वजह है कि बदलाव पश्चिम बंगाल में होना चाहिए और इन हत्याओं की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये हत्याएं किनके द्वारा और किस उसमें की गई हैं। तो यही मांग है लगातार जो बंगाल में अब तेज हो रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।